हमारे देश में एक कंपनी है यूनिलीवर, इसने नाम बदल दिया हिंदुस्तान लीवर रख दिया। ये बहुत बेईमान कंपनी, जिस देश में जाती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा ले। भारत में इसका नाम है हिंदुस्तान लीवर। ये मूलतः ब्रिटेन और हॉलैंड के व्यापारियों की कंपनी, भारत में घुस गई, धंधा शुरू किया और इस कंपनी ने धंधा शुरू किया मात्र 24 लाख रुपए से, और आज ये कंपनी एक साल में 2000 करोड़ रुपए लूट कर ले जा रही। तकलीफ इस बात की है कि पहले अंग्रेज हमको लूटते थे तो डकैती करते थे, घर में घुसते थे, मारा मारी करते थे, बंदूक चलाते थे, तलवार चलाते थे और लूट के ले जाते। अब ये कंपनियां दूसरे तरह की डकैती करती, ये बंदूक नहीं चलाती, तलवार नहीं चलाती, ये आपका दिमाग खराब करके लूट के ले जाते। पहले मजबूरी में लूटते थे, अब मजे में लूट रहे। इन कंपनियों ने हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी पकड़ ली है, हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी। अगर कोई हमको बार 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 झूठ बोलता रहे, हम थोड़े दिन में उसको सच मानने लगे। ये विदेशी कंपनी वाले क्या करते हैं, टीवी पे विज्ञापन लिखा, सवेरे से शाम तक विज्ञापन लिखा, एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, बार 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 बार, और आप देख देख के इतने पागल हो जाते हैं कि चुपचाप वो चीज खरीद के ले आते हैं बिना सोचे समझे। और विज्ञापन कैसे आता है, आप टीवी का चैनल खोलो तो सबसे पहले विज्ञापन, कोई भी चैनल खोल लो, आपको अगर समाचार देखना है कोई भी न्यूज खोलो, होता क्या है, न्यूज आती है 2 मिनट, विज्ञापन आता है 3 मिनट, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन। अब होता अंत में पता है क्या, न्यूज तो भूल जाती है, विज्ञापन याद, क्योंकि न्यूज तो बदलती रहती है ना, हर 2 घंटे 3 घंटे में, तो भूल गए, विज्ञापन सबको याद हो गया, परमानेंट याद। मैं बहुत लोगों से पूछता रहता हूँ जो रोज न्यूज देखते हैं कि भाई कल क्या समाचार देखा, तो कहते हैं याद नहीं। फिर उनसे पूछो विज्ञापन क्या देखा, तो वो याद है, क्योंकि दिमाग में घुस गया बार 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 बार। तो हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, इनका विज्ञापन देख देख के माल खरीद लेते, और विज्ञापन इस तरह से बनाते हैं जिसमें लोगों का विवेक शून्य हो जाए। एक विज्ञापन है, विदेशी कंपनी है, लाइफ बॉय साबुन बेचते, क्या विज्ञापन आता है, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, इसका मैंने तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आ रही है। खाना क्यों खा रहे हो, लाइफ बॉय लगाओ, रगड़ रगड़ के नहाओ, तंदुरुस्ती आती रहेगी। और आप बताओ तंदुरुस्ती का साबुन लाइफ बॉय हो सकता है, तंदुरुस्ती का आधार दूध हो सकता है, दही हो सकता है, सब्जियां हो सकती है, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, गेहूं हो सकता है, लाइफ बॉय कब से हुआ। अब अकल की बात तो यही है ना, साबुन तंदुरुस्ती का आधार नहीं होता, लेकिन हम जबरदस्ती लाइफ बॉय खरीदते। एक जमाना था कि कोई लाइफ बॉय नहीं खरीदता था, आज इस कंपनी का 7 करोड़ लाइफ बॉय साल में बिक जाता है, और लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं इस उम्मीद में कि आज तंदुरुस्त हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, 20 दिन बाद हो जाएंगे। और कैसे मूर्ख बनाती है ये कंपनी, वो विज्ञापन में कहते हैं लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, मैल को नहीं धोता, मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धोता है। अब ये मूर्खता है कि नहीं, इस मूर्खता में सारा देश परेशान, और सारा देश क्या परेशान है, लाइफ बॉय खरीद रहे हैं, पैसे हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी को दे रहे। लाइफ बॉय दुनिया का सबसे घटिया साबुन है, आपको मालूम, आप पूछोगे कैसे। दुनिया में 3 तरह के साबुन होते हैं, एक होते हैं बाथ सोप, बाथ सोप का माने स्नान करने का साबुन, एक होते हैं टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप माने हाथ धोने का साबुन, संडास घर में से निकले तो हाथ धोने का साबुन टॉयलेट सोप, और एक होता है कार्बोलिक सोप, कार्बोलिक सोप का माने है जानवरों को नहलाने का साबुन, लाइफ बॉय कार्बोलिक सोप। तेल को फैटी मैटर कहते हैं। जब आप साबुन खरीदते हैं ना तो ध्यान से पढ़ना, हर एक साबुन पर एक अंग्रेजी का शब्द छपा रहता है TFM, टी का माने टोटल, एफ का माने फैटी, एम का माने मैटर, टोटल फैटी मैटर माने मिलाया हुआ तेल। जिस साबुन में जितना ज्यादा होगा वो साबुन की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, और वो साबुन बाथ सोप होगा। तो जो साबुन में 80% तक TFM होता है, 75% तक TFM होता है, उनको माना जाता है कि वो बाथ सोप है। फिर उसके नीचे वाली कैटेगरी है टॉयलेट सोप माने हाथ धोने वाले साबुन, उनमें 50-60% तक TFM होता है, और कार्बोलिक सोप में उससे भी कम होता है। ये लाइफ बॉय कार्बोलिक सोप है, माने जानवरों को नहलाने वाला साबुन है क्वालिटी के हिसाब से। सबसे ज्यादा भारतवासी उसी को रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ये वो खुद कहते हैं, कंपनी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। कंपनी डिक्लेयर करती है कि ये बाथ सोप नहीं है, टॉयलेट सोप नहीं है, ये कार्बोलिक सोप है। और यूरोप के देश में लाइफ बॉय से कुत्ते नहाते हैं, बिल्लियां नहाती हैं, और उस लाइफ बॉय से हिंदुस्तान के 7 करोड़ लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ऐसा दिमाग खराब हमारा हुआ ये विज्ञापन। और ये जो कार्बोलिक सोप है ना, ये बनता कैसे है इसको भी जान लो। बाथ सोप बनाते हैं, ये हिंदुस्तान लीवर का बाथ सोप है, जैसे लक्स, जैसे लिरिल, जैसे रेक्सोना, इसी का एक साबुन है पियर्स, तो वो सब बाथ सोप है।
उसको बनाने के बाद ये कुछ और साबुन बनाते हैं, जैसे रिन उसी का है, जैसे सर्फ तो कपड़ा धोने का साबुन बनाया, नहाने का साबुन बनाया, उन दोनों को बनाने के बाद जो कचरा बच गया उससे कार्बोनिक सोप बना लाइफ, और वो सबसे ज्यादा बिकता है। जो सबसे घटिया साबुन है, इसके घटिया होने का प्रमाण क्या है, साबुन में केमिकल जितना ज्यादा साबुन उतना ही घटिया, और केमिकल उसमें जो सबसे खराब केमिकल है जो आपकी त्वचा को खराब करता है। आप लाइफ बॉय से नहाइए, नहाने के बाद जब शरीर सूख जाए ना तो नाखून से ऐसे लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींच जाए। कैसे खींची, लाइफ बॉय के केमिकल कचरे ने आपकी त्वचा के तेल को पूरी तरह से सुखा दिया, तो त्वचा एकदम रूखी और सूखी हो गई। और जिनकी त्वचा रूखी और सूखी होती है और बार 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 आप उस पे साबुन रगड़ेंगे तो एक दिन आपको एक्जिमा होने ही वाला है, सोराइसिस होने ही वाला है, चमड़े के रोग होने ही वाले। तो लाइफ बॉय लगा लगा के त्वचा को रूखा बना रहे, फिर चमड़े के रोग आ रहे हैं, चमड़े के रोग आ रहे हैं तो फिर उनको ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, फिर उनकी दवाएं खा रहे हैं, फिर उन दवाओं से शरीर पर साइड इफेक्ट आ रहा है, फिर उसके लिए इलाज करा रहे हैं। क्या धन चक्कर में फंस गए। एक लाइफ बॉय बनाने में इस कंपनी का मुश्किल से 2 रुपया खर्च होता है और उसको ये 10-12 रुपए में बेच लेती है। मुनाफा इस कंपनी का सैकड़ों नहीं हजारों प्रतिशत है। इस कंपनी का एक साबुन है ना पियर्स, वो तो 25-30 रुपए का, 6-6.25 रुपए में बनता है, 25-30 में ये कंपनी बेच लेती है। इस कंपनी का एक वॉशिंग पाउडर है ना 19-20 रुपए किलो में बनता है और उसको ये कंपनी 150 रुपए किलो तक बेच लेती है। और हर साल मैंने बताया ना 2,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं आपके मेरे खून पसीने की कमाई। इस कंपनी के हाथ में हम 20,193 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ध्यान रखना इसका भी बहिष्कार करना है। ये पैसे हमारे खून पसीने की कमाई के हैं, आपके देश के नागरिकों के जरूरत पूरी करने के लिए है। इसलिए आपका एक पैसा भी लक्स लाइफ बॉय लिरिल रेक्सोना पियर्स खरीदने में खर्च नहीं होना चाहिए, सर्फ रिन खरीदने में खर्च नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें, अपने पतंजलि योगपीठ के जो साबुन आ गए हैं इनको खरीदो, थोड़े दिन में कपड़ा धोने का भी आ रहा है उसको खरीदो, जब तक नहीं आ रहा है तब तक स्वदेशी खरीदो। एक घड़ी है, एक निर्मा है, एक मोर है, एक डॉक्टर है, एक उजाला है, और आप ढूंढोगे तो हर गांव शहर में छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री गृह उद्योग में कई तरह के साबुन बनते हैं, कई तरह के वॉशिंग पाउडर बनते हैं, उनको उपयोग करना अगर आपने शुरू किया तो सच्ची सेवा है लोगों की। क्योंकि वो पैसा आपके किसी पड़ोसी गरीब आदमी के हाथ में जा रहा है और वो देश के विकास के काम में आ रहा है। मैंने एक छोटा सा हिसाब निकाला था कि 20,193 करोड़ रुपए जो हम दे रहे हैं हिंदुस्तान लीवर को, थोड़ी देर कल्पना करो, और ये कल्पना हो सकता है थोड़े दिन में सच्चाई में बदल जाए कि एक पैसा भी हिंदुस्तान लीवर के पास ना जाए, उनका सारा सामान बिकना इस देश में बंद हो जाए। वो आपकी ताकत है, सरकार की नहीं है। आप बहिष्कार कर दो, लोगों से बहिष्कार करवा दो, और इस कंपनी के सब सामानों का नाम जीवन दर्शन पुस्तक में है, पीछे के पन्नों में 115 नंबर पेज पे आप पढ़ेंगे तो वो ध्यान से बार बार पढ़ के लोगों को समझाना। सारे देश में अगर इसका बहिष्कार हो गया तो 20,193 करोड़ रुपए देश का बचेगा। अगर उसी पैसे को छोटे छोटे उद्योगों में हम लगा दें और 1 करोड़ रुपए में एक कारखाना बना दें और एक कारखाने में 100 आदमी को काम मिले, तो जितने रुपए का साबुन और मंजन ये कंपनी बेच रही है उतने रुपए में 20,000 कारखाने चल सकते हैं और लाखों लोगों को रोजगार इस देश में मिल सकता है। हमारे ये हरिद्वार से लेकर दिल्ली के बीच में मैंने पता किया 500 से ज्यादा छोटे छोटे साबुन और वॉशिंग पाउडर बनाने वाले उद्योग है, लेकिन ये सब मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। मेरठ में मैं गया, हापुड़ में मैं गया, गाजियाबाद में गया, मुजफ्फरनगर में मैंने देखा छोटे छोटे साबुन बनाने वाले 500 से ज्यादा उद्योग। वो कहते हैं कि हम बेच नहीं पाते बाजार में, हमारा कोई लेता नहीं है, क्योंकि सब कुछ हिंदुस्तान लीवर का बिकता है। फिर मैंने कहा अगर हम सब हिंदुस्तान लीवर को भगा दें, इसका बहिष्कार कर दें, तो वो कहने लगे कि फिर तो आप ही हमारे लिए भगवान हैं और देवता हैं, जो आप ये कर दो तो हमारी जिंदगी, हमारी रोजी रोटी, हमारा सम्मान तो हिंदुस्तान लीवर ने छीन रखा है। अगर आप हमको थोड़ी ताकत दे दो, हिम्मत दे दो और हमारा माल बिकने लगे तो हम तो आपको ही देवता और भगवान मान लेंगे, हमारे लिए तो जीवित भगवान आप ही हैं। तो भारत स्वाभिमानियों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।